तो आज से बर्ड वीकेंड डे की स्टार्टिंग हो रही है, ओपनिंग सेरेमनी है आज इस इवेंट का। ये दूसरा साल है और हमारे इंडिया का इस साल बेहतर पोजीशनिंग होगी, रैंकिंग होगी। आज से बर्ड वीकेंड डे की स्टार्टिंग हो रही है, ग्लोबल बर्डिंग वीकेंड जो मनाया जाएगा उस पर भरतपुर बर्डिंग टीम काम कर रही है और आज से यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग है, ओपनिंग सेरेमनी है आज। और जैसा आप देख रहे हैं पीछे की तरफ आज इस हॉल को सजाया गया है ओपनिंग सेरेमनी के लिए। WWF से भी काफ़ी लोग आएंगे और BHNS से भी हैं और भी NGOs वगैरह हैं यहाँ पर, ये सारे आएंगे और यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ लोगों के लेक्चर्स वगैरह भी हैं, एक एग्जीबिशन भी लगाई जा रही है, बर्ड की एग्जीबिशन लगाई जा रही है, तो काफ़ी अच्छा होने वाला है। एक्चुअली दो दिन तो आज ओपनिंग सेरेमनी रहेगी, उसके बाद 6 और 7 को लेक्चर्स वगैरह होंगे। जितने भी बर्ड WWF और ये BHNS से आए हुए हैं वो अपना थोड़ा सा एक आपको लेक्चर देंगे, बताएंगे कंजर्वेशन के बारे में, बताएंगे बर्ड्स के बारे में बताएंगे। और उसके बाद 8, 9 और 10 को ईबर्ड पर चेकलिस्ट वगैरह अपलोड होंगी। लोग आउटसाइड भरतपुर और भरतपुर में बर्डिंग करेंगे डिफरेंट एरियाज़ में। टीम बना ली गई हैं, डिसाइड हो गया है कौन को किसको कहाँ जाना है, ट्रेल बना ली गई हैं, तो उस सब पर ये वर्क हो चुका है। और अंसार भाई अभी हमारे राज सिंह जी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तब तक हम यहाँ पर ये सारी तैयारी कर लेते हैं और काफ़ी अच्छा होने वाला है, कोशिश यही है बेहतर हो। एक इवेंट पर वीडियो और बनाया था तो वो डाला था मैंने, आप आयुब की आपको पसंद आया होगा। तो अभी हमारे यहाँ पर जो विष्णु भाई साहब बैठे हुए हैं पीछे, ये यहाँ के ओनर हैं विष्णु भाई साहब, और इनसे पूछ के देखेंगे कि आप इनके थोड़ा सा व्यू लेके देखेंगे एक्चुअली के क्या होने वाला है और किस तरीके से उन्होंने इसको एक तरीके से मैनेज किया है, तो इस पर बात करेंगे। और अभी श्याम जी हैं हमारे साथ, श्याम जी से कुछ पूछते हैं इसके बारे में कि इनके क्या विचार हैं जो आज से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं ओपनिंग सेरेमनी से ग्लोबल बर्डिंग वीकेंड की। क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में आप जी? नमस्कार। देखिए जैसा कि आपको हम आप ये पहले 2 या 3 वीडियो बना चुके हैं, हम लोग ग्लोबल बर्डिंग वीकेंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे, पर एक्चुअली हम लोग भरतपुर बर्डिंग वीक के तौर पर इसको मना रहे हैं और आज इसका इनॉग्रेशन है। जो एक्चुअल में हमारा ग्लोबल बर्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें अबकी बार ये सोचा गया है और इंटरनेशनल टीम के द्वारा कि कैसे हम लोग नेक्स्ट जनरेशन को जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसमें हम इन्वॉल्व करें, तो ये सारी चीज़ें हम कल और परसों में करेंगे। उसके बाद में फिर 8, 9, 10 में तो हम बर्डिंग वीक, हाँ वो बर्डिंग वीक जो ग्लोबल बर्डिंग वीक है उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक वॉचिंग हमारी टीम के लिए, आपकी तरफ से भी बेस्ट ऑफ लक हम स्वीकार कर लेते हैं। अब मैं जा रहा हूँ हमारे विष्णु भाई साहब के पास, विष्णु भाई साहब से भी कुछ, विष्णु भाई साहब से 2-1 सवाल पूछूंगा मैं और उनको बताने ही पड़ेंगे। तो ये हमारे विष्णु भाई साहब हैं और ये द बाग के ओनर हैं और राज सिंह जी के छोटे भाई हैं। हाँ तो विष्णु भाई साहब बताओ कुछ, जिस तरीके से इवेंट हो रहा है अपन इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालो जिससे हमारी पब्लिक को पता चले, देखने वालों को पता चले कि हम किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, पहले से क्या डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग कुछ कर रहे हैं हम, ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे हम आपसे। इस इवेंट का ये दूसरा साल है, पिछली बार हम लोगों ने इवेंट किया था तो ज़्यादा
किसी को पता नहीं था, लेकिन इस बार हमने बड़े बड़े स्तर पे इसको ऑर्गेनाइज़ किया है जी। और इस बार हमारे साथ में ऑल इंडिया के बड़े फेमस नेचुरलिस्ट जुड़े हैं, तो इस बार हमारी जो बर्ड लिस्ट ई बर्ड पर जो पोस्ट होगी वो अच्छी, आशा करता हूँ कि वो अच्छे नंबरों में होगी और हमारे इंडिया का इस साल बेहतर पोजीशनिंग होगी, रैंकिंग होगी। पिछली बार शायद 7 थी अपनी, है ना? पिछली बार 7 थी, तो अब इस बार होप कर रहे हैं कि चौथे पांचवें नंबर पर ले आना ही चाहिए। हमारे साथ में नॉर्थ ईस्ट से अच्छे नेचुरलिस्ट जुड़े हैं, हमारे साथ में अरुणाचल से, केरला से, कर्नाटका से, गुजरात से, सो ये अब ये इंडियन ग्लोबल बर्डिंग हो गया है। ग्लोबल बर्डिंग तो है ही है, 200 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी इसमें जुड़ गया है जी, जी, जी। मैं आशा करता हूँ, आज इसका इनॉग्रल है, मैं आशा करता हूँ कि ये इवेंट बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा और देखते हैं अगले 3-4 दिन में जब इवेंट चलेगा इसका क्या प्रोग्रेस होती है। तो इसमें कौन कौन भाग ले रहा है? जैसे बाहर से शायद मैंने सुना BHNS वगैरह भी आ रही है इसमें। हमारे इस इवेंट में पार्टनर्स हैं, को पार्टनर्स हैं, BNHS है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, उसके साइंटिस्ट आए हुए हैं, उनके लेक्चर्स भी होंगे, नेस्ट बिल्डिंग पे लेक्चर्स होंगे, स्कूल के बच्चे आमंत्रित किए हैं, उनको नेस्ट बिल्डिंग सिखाया जाएगा, पर्यावरण से संबंधित अवेयरनेस के बारे में बताया जाएगा जी, जी, और दूसरा हमारा जो पार्टनर है वो निकॉन है, निकॉन की पूरी प्रोफेशनल टीम आ रही है जी, जो कि हमारे स्कूल के बच्चे और जिनके पास में भी निकॉन के इक्विपमेंट्स हैं उनको कैसे मेंटेन करना है, कैसे रखना है, रख रखाव कैसे किया जाता है, उनकी साफ सफाई कैसे की जाती है, ये बताया जाएगा। और फिर तीसरा WWF भी हमारे साथ में जुड़ गई है, वो लोग भी आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब लेटेस्ट अभी हमारे साथ में जो जुड़े हैं वो जाइस वाले टीम है, वो लोग भी यहाँ 3 दिन रहेंगे, अपनी इक्विपमेंट्स के बारे में बताएंगे। तो ये बड़ा ही अच्छा इवेंट होगा भरतपुर के लिए, तो और ख़ास करके भरतपुर के नेचुरलिस्ट और जो भी लोग जुड़े हैं नेचर से संबंधित, उनके लिए ये बहुत एजुकेशनल रहेगा और मैं आशा करता हूँ कि वो कुछ ना कुछ उनको नया सीखने को मिलेगा। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीकेंड में जो होने वाला है 5-10 अक्टूबर के लिए, और काफ़ी लोग प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हम इस इवेंट को सफल बनाने के लिए। काफ़ी जैसे बता रहे हैं विष्णु भाई साहब, पूरे इंडिया से अब की बार काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, पिछली बार इतना हमको पता भी नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा किया हमने और अब की बार उससे कई गुना बढ़िया करने का पूरा प्रयास है। सब कुछ चीज और ऐड करना चाहूँगा, बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार जब हमारा ग्लोबल इवेंट हुआ था तो हम सिर्फ भरतपुर तक ही अपने आप को सीमित कर पाए थे, इस बार हमें कोस्टल बर्ड, हमने विजय दास करके है भीतर करने का, उड़ीसा से हमने एक बड़े नेचुरलिस्ट को भी इसमें रजिस्टर किया है, वो बड़े खुश हुए इसमें आने से, और बहुत सारी पोस्टल बर्ड्स भी इस बार रिकॉर्डेड होंगी, तो आशा करते हैं कि इस बार इंडिया की रैंकिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी, ऑटोमेटिकली अच्छी होगी, जब बड़े बड़े धुरंधर इसमें जुड़ रहे हैं तो क्यों नहीं होगी जी। तो चलिए अब इस इवेंट का शुरुआरंभ हो जाएगा 3 बजे से, तो फिर मैं आपको थोड़ा सा इसका वॉक अराउंड करके 3 बजे फिर दोबारा आपके सामने हाजिर होऊंगा। और थैंक यू हमारे विष्णु भाई, नमस्कार। तो हमारी मेहनत का फर्स्ट हाफ हो गया है ख़त्म, और जो हमारी एग्जीबिशन लग रही है उसके फ़ोटो वोटो हमने सब लगा दिए हैं, अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर दी है, और एक्चुअली अब हम दोबारा 2:30 बजे आएंगे क्योंकि जो ओपनिंग सेरेमनी है वो स्टार्ट होगी करीब 3 बजे से, और हमारी श्याम जी की थोड़ी सी तबीयत आज फिर ख़राब है, सिर में दर्द हो रहा है, तो दवाई वबाई दिलवाएंगे, घर पे जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि रात को 2:30 बजे तक काम किया, वीडियो एडिटिंग वगैरह की थी, उसके बाद 4:30 बजे फिर जग गए थे, थोड़ा सा थकान है शरीर में, और फिर अब ये करीब 10 अक्टूबर तक यही रहेगा, सुबह शाम। तो चलिए फिर 2:30 बजे दोबारा मिलता हूँ मैं आपको दबाग में 1 सेकेंड।
इनक्रेडिबल कंट्री कॉल्ड इंडिया, भारत, जहाँ पे हम सबका स्वागत हाथ जोड़कर नमस्कार के साथ करते हैं. आई वुड ऑल्सो डू द सेम एंड आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू डू द सेम. लेट्स टेक अ मोमेंट, लुक टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, लुक टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, लुक बिहाइंड, लुक इन फ्रंट, एंड लेट्स जस्ट टेक आउट 30 सेकेंड्स टू मीट ईच अदर एंड ग्रीट ईच अदर. रिक्वेस्ट मिस्टर राज सिंह, MD एग्जॉटिक हेरिटेज ग्रुप, टू प्लीज जॉइन अस. मिस्टर मोहित गुप्ता, टू प्लीज जॉइन अस इन फ्रंट. मिस्टर परीक्षित गौतम, रिटायर्ड डायरेक्टर WWF, टू प्लीज जॉइन अस इन फ्रंट. थैंक यू सो मच. ऑफ कोर्स यस, ऑफ कोर्स यस. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज टेक अ स्टेप अहेड एंड बिगिन विद द लैंप लाइटिंग सेरेमनी. For this evening, this is my first experience actually, so I'm excited and pretty nervous also, and hope so this journey is so good and experience for us and gives so experience for us. Thank you. Actually, I have done nothing unusual. My teachers gave me something, so I tried to give as much as possible to my students, so that nothing is left with me. I think the process has not been completed, and I intend and plan to continue this journey. And I would like to inform all that some of our college's students here, it means a lot to us, and keep supporting us like this and keep inspiring the younger generation to do bigger and better. And thank you everyone. Myself is also a beginner and joined this event to learn so many things. In fact, I don't recognize so many words. Only few words are in the list, and I just motivated these students to join this event. Ma'am, I'm going to come to you. You're well learned in the profession, and certainly what you can guide us, what you can tell us, nobody can do that. So can we just give her a big hand first of all? I would also like to thank you for being here with us. To start with, I joined Bharatpur as a probationer. Right after my National Forest Academy, I landed over here. I feel that birding is should not be limited to just MSc students. Every global citizen should be learning the skill of birding. As we have in this crowd amidst us, Raj Singh Ji, Parikshit, I can see Dr. Ashutosh Bholu, a whole lot of people who belong to the fourth phase of birding, where they first identify the call and then go and look for the bird. Thank you so much, sir. It takes a lot to just get everyone from different parts of the world, from different parts of the country, to come together and exchange information, exchange knowledge. So thank you, and hats off to you, sir. Thank you so much. So first of all, I would like to thank you all for being here. It's such a wonderful feeling. और क्या है कि भरतपुर है, मैं तो भरतपुर से हूँ, तो भरतपुर के लिए तो कुछ करना ही चाहिए. सो कीपिंग दैट इन माइंड, आई वाज थिंकिंग व्हाट कैन वी डू. 90s में, 80s में, जब मैं आई रिमेंबर, वेदर इट्स नेशनली और इंटरनेशनली, जब कभी भी किसी से भरतपुर की बात करते थे तो केवलादेव बर्ड सेंचुरी वाज समथिंग ऑन द टॉप. किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है. पीपल यूज टू कम इंटरनेशनली. भरतपुर इज टेकन फॉर ग्रांटेड कि वहाँ तो जाना ही है, रुकना ही है. नेशनली एनी रिसर्च प्रोग्राम, द बिगेस्ट रिसर्च प्रोग्राम्स ऑफ BNHS एक्चुअली फ्रॉम द 60s हैव हैपेंड एट केवलादेव. यू सी द हिस्ट्री. So it's always been my goal, how can we revive, how can we get back Bharatpur's glory? Of course, it's not possible to get the glory because times have changed, the situations have changed, the habitats have changed. But phir bhi hum kya kar sakte hain? It is with that scope, with that in mind, that I've been trying my best for the last many years to get Bharatpur back. Because kya hua ke jab 90s mein pani, water used to be here. पानी होता था. नो वन इवन थॉट अबाउट कि भरतपुर में कभी पानी की कमी होगी. भरतपुर वॉज अ एरिया, बाढ़ आ रही है, तो वी टुक वाटर फॉर ग्रांटेड. और जब ये पांचना डैम बना और पानी भरतपुर में आना बंद हुआ, सो इट वॉज अ सडन रियलाइजेशन कि अरे ये क्या हुआ. इट वॉज अ शॉक टू द सिस्टम.
and we have not actually come out of from that shock to the system. It's after almost 20 years, mere hisab se, when I can see now, agar aap national park mein jao ke pani bhara hua hai, agar aap jao kadam kunj ki taraf, piche ke patton mein, har area mein kya hai. So ek usko dekh ke itni shanti hoti hai ke ek cheez ye Bharatpur mein kaise hum kar sakte hain, kya kar sakte hain. और इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम किस तरह से दोबारा इसको रिवाइव करें, कोशिश करें और हम अपनी यंगर जनरेशन को कैसे एजुकेट करें. सर प्लीज़ टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम यू हियर. थैंक यू एवरीवन. मेरा नाम श्याम शर्मा है और सब लोग आप जानते हैं, मेरी जो कुछ लोग मेरे साथ के हैं वो जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते हैं. मैं यहाँ पर नेचुरलिस्ट हूँ भरतपुर पार्क में और श्रुति शर्मा जी यहाँ बैठी हैं. इनके बैच में हम लोगों ने, इनके टाइम पे एक बैच हुआ था उस पर हम लोगों ने ट्रेनिंग ली थी और इनके उन्होंने जो हमें सिखाया, जो बताया उस टाइम पे ट्रेनिंग में, हम कोशिश कर रहे हैं कि अब आगे उसको कैसे कर सके. तो हमने लास्ट ईयर भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था इस टीम के साथ ही, द बाग के साथ ही, और ये हमारा सेकेंड टाइम है. पिछली बार भी हम लोगों ने कोशिश की थी ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग करें और लोगों को जहाँ पर भी मिल रहे हैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करें और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और हम लोग कहाँ पर उसमें कंजर्वेशन में भाग अपना पार्ट निभा सकते हैं वो कुछ बताने की हमने कोशिश की थी. इस सेकंड इवेंट में जो सेकंड टाइम हो रहा है यहाँ पे, उसमें बस एक उम्मीद है, एक्साइटेड हूँ कुछ, क्योंकि ये इसकी बार बच्चों को और सबको जोड़ा है. तो थैंक यू और एंजॉय. उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग फिर वही जोश के साथ और एक बार फिर इस इवेंट को करेंगे. थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो मेरा नमस्कार यहाँ बैठे सभी लोगों के लिए और इस इवेंट को स्टार्ट करने के लिए राजस्थान से मैं लास्ट ईयर मिला था जब उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को मुझे समझाया. उसके बाद में हमने इवेंट को जस्ट सारे नेचुरलिस्ट और रिक्शा पुलर्स को अपने प्रोग्राम के बारे में बताया कि हमें किस तरह से बर्डिंग करनी है और ई बर्ड के साथ इसको कैसे मैच करना है जिससे कि हमारी सारी बर्डिंग लिस्ट ई बर्ड पर जाके अपलोड हो और सारे लोगों को ट्रेल के बारे में मालूम पड़े कि कौन सी स्पीसीज कहाँ दिखती है. तो ये कॉन्सेप्ट बस यही है कि बर्डिंग को और कंजर्वेशन को कैसे हम कर सके, बचा सके वेटलैंड्स को, सभी चीज़ के लिए इस तरह का वो बनाया गया है और ग्लोबल बर्डिंग एंड राज साहब का पूरा सपोर्ट है इसके लिए, इसकी तहत हम कर रहे हैं. इसलिए चिड़िया देखना एक जुनून होता है, एक पैशन होता है और एक बार ये जरूरी इसलिए है कि आज आप सबको ध्यान होगा हमारे घरों में छप्पर हुआ करते थे और हाउस स्पैरो जब खाना खाने बैठते थे आया करती थी, आज कहाँ है. आज हम अपने मकान ऐसे बना रहे हैं इसमें जाली लगती है, मच्छर भी तो आ नहीं सकता, चिड़िया की बात छोड़ो. इसलिए टू क्रिएट दिस थिंग, इस नई जनरेशन हम ये क्रिएट करें कि हम बर्ड्स को बचाने के लिए, जो बर्ड्स खत्म हो गए उसके लिए हम कुछ करें. आई एम जस्ट सरप्राइज टू नो दैट प्रीवियसली देयर वाज लॉट ऑफ वाटर बट नाउ देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर. आई बिलीव समथिंग टेक्निकल पीपल आर देयर, समथिंग विल बी डन टू मिटिगेट दिस प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर so that the we could take the spark to its previous glories. Still it is very popular but I've been told that previously it was more and I hope the efforts that we are taking will help us in achieve what we are striving for. 97 mein agar Shruti aapko yaad ho to jab interpretation center ka hum launch kar rahe the to ye halat thi ki Delhi se log bag nahi aa pa rahe the, इतना पानी था और उसके बाद में हम लोगों ने जो सिचुएशन देखी कि कईदार जो है वो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं किसी भी नेशनल पार्क या किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. ये मैं बच्चों को बताना चाह रहा हूँ कि जब आप भरतपुर को देखें तो भरतपुर को सिर्फ एक चिड़िया का माध्यम ना समझें कि वहाँ पर सिर्फ चिड़िया होती हैं. भरतपुर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेटलैंड है एक. और एक और मैं आपको चीज़ बताऊँ कि भरतपुर जो है इट इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू सर्वाइविंग वेटलैंड इन दी यमुना फ्लड प्लेन, वेरी फ्यू. अब सारे भर चुके हैं, सारे जा चुके हैं, आपके पास बहुत कम बचे हैं. क्योंकि भरतपुर को हमेशा बोलते हैं कि ओपन लेबोरेटरी, ऐसी जगह कहीं आपको नहीं मिलेगी. इस ओपन लेबोरेटरी जब आप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की, बर्ड कंजर्वेशन की बात करते हैं, एंड मैंने देखा था कि जो राज साहब ने जो प्रोग्राम बनाया है उसमें बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, वाटर मैनेजमेंट के ऊपर है, श्रुति मैडम जो है वो बताएंगी ओवरऑल मैनेजमेंट के. तो मैं अभी यहाँ छोड़ता हूँ, बस उनली है कि मैं आपको इंस्टिगेट करना चाहता हूँ कि उनको मिस मत करिए. ओपनिंग सेरेमनी हो चुकी है, सभी लोगों ने, श्रुति मैम ने और भटनागर साहब ने, और सभी ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे. राज साहब ने भी अपना कुछ बताया कि किस तरीके से इवेंट को कर रहे हैं. बहुत ही अच्छा था, शानदार था और सभी लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया. स्टार्टिंग हो चुका है ग्लोबल बर्डिंग वीकेंड,
और अब थोड़ा सा एक रिफ्रेशमेंट लेके फिर यहाँ से निकलते हैं।